सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। अपने चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, आज आपको दिखा रहे हैं जी, जैसे कई जगह पे कूप, ये धड़ बोलते हैं कूप, थोड़ा वो स्ट्रेट टाइप में होता है, सीधा खड़ा और फिर ऊपर से बंद, ये धड़ लगा देते हैं जी। कैसे लगाते हैं, तो जैसे देखिए, पहले नीचे तुड़ी को इकट्ठा कर दिया गया, एक ढेर बना दिया गया है, जैसे कि थ्रेसर से कढ़ाया, इसको थोड़ा इकट्ठा कर दिया गया, क्योंकि फिर पहले थोड़ा फैल जाता है। देखिए, यहाँ से इकट्ठा कर दिया गया। इकट्ठा करने के बाद इस पर सबसे पहले कागज़ चढ़ाया जाता है जी। ये देखिए जी, कैसे लगा रहे हैं आपको, ठीक है जी। और इसके बाद इस पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पूड़े, जो बाजरी के हैं जी, बाजरी के पूड़े लगा देंगे इस पे। और कुछ जो अपने कपास या बोले नरमा, उसकी लकड़ी भी डाल देंगे। और ऐसे थोड़ा थोड़ा इनको ढक के और चारों तरफ से इसको कोई रस्सी वगैरह से बांध के, और फिर इस पे क्या, फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे जी। कई जगह पे जहाँ पे पक्की मिट्टी होती है, वो क्या करते हैं जी, इसके चारों तरफ जैसे कि मिट्टी को खोद लेते हैं, उसमें पानी छोड़ देते हैं, गारा टाइप बना लेते हैं, बिल्कुल पटवा पतला मड इंग्लिश में जिसको बोल देते हैं, वो बना के और उसको क्या करते हैं जी, उसको इसके ऊपर लेप सा लगा देते हैं जी। और उसमें क्या है कि ऊपर की परत है, ये मान के चलो आप, जो ऊपर की लगभग 2-3 इंच की है, वो ख़राब हो जाती है जी, क्योंकि उस पर मिट्टी रहती है। जब भी बारिश होती है, बारिश होने के कारण पानी की जो नमी है, नमी अंदर चली जाती है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता जी। जहाँ से ये कागज़, जैसे कि अब आपको पॉलीथीन दिख रहा होगा, ये लग गया, इसके नीचे पानी की मात्रा नहीं जाएगी और इस कारण ये वहाँ से ख़राब नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छा एक तरीका है अपनी तूड़ी को सेव करने का, जिन जगहों पे जैसे कि इनको स्टोक करना है। अब आप बात को समझ रहे हैं, ये स्टोक कर रहे हैं, आगे इसको सेल करेंगे, अभी सेल नहीं करेंगे, इनको घर पे जितनी ज़रूरत है वो घर पे स्टोक कर लेंगे ये अपने, लेकिन ये स्टोक कर रहे हैं आगे से, आगे बेचने के लिए 4-6 महीने साल बाद, जब इनको लगा कि इसका वाजिब दाम मिल रहा है तब सेल करेंगे इसको, इसलिए इसका स्टॉक हो रहा है जी। स्टॉक करने के लिए घर पे एक्स्ट्रा जगह नहीं होती, घर पे एक्स्ट्रा जगह नहीं होती, घर पे एक्स्ट्रा जगह नहीं होती, इस कारण ये खेत में कर देते हैं जी। खेत से यहाँ से ही सेल कर देंगे जी। जैसे कि अब आपको पीछे का जो तूड़ी का भाव था वो आपको पता ही है जी क्या रहा, तो इस कारण जैसे कि अभी तो लगभग ये मान के चले यहाँ पे 300 रुपए के आसपास से, या कहीं पे पहुंच करते हैं, किले का क्या रेट चल है मेहंदा, 9,500 रुपए, जैसे कि एक किले की तूड़ी थ्रेसर की, हाँ 9,500 रुपए में अब बेची है जी। हाँ चले चलते हैं बेटा। तो ये है जी, काफी अच्छा तरीका है, आप भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे भी है, आ जा तू तो खोद दिया, आज सुबह सुबह आया हुआ था खेत में, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर करें, ताकि और भाई भी इस चीज का फायदा उठा सके। वो देखें थोड़ी सबसे अच्छी, देखो जी रिपर थोड़ी, तो असली तो थ्रेसर की होती है, कंबाइन वाली कढ़ाई हुई से रिपर से बनवाते हैं, वो कोई तूड़ी नहीं मानते। देखिए कैसे इसको अब ढक दिया जाएगा पूरी को ऐसे करके, और इस पर रस्सी भी बांध दी जाएगी, जैसे ये ढेर लगा है पूरा रस्सियों का। और ये रेगिस्तान का जहाज है, अपने एरिया में खूब चलता है जी, बैलों की थोड़ी कम लोग रखते हैं, और थ्रेसर लगभग पहुंच ही रहा है आपको यहाँ से, अपने खेत की साइड एंटर कर चुका है, पीछे से दिख रहा होगा आता हुआ, कल शाम को यहीं से गया था और यहीं पे पहुंच गया सुबह सुबह। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने चैनल पे, जो भाई नए देश विदेश से जुड़े हैं
वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अपने इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। सभी भाइयों का धन्यवाद।